Swayam Prabha, Digital India, Educated India. माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच ओ टुडे आई एम गोइंग टू प्रजेंट क्रिमिनल अपील दिस इज़ माई नाइन्थ चैप्टर चूँकि प्रस्तुतिकरण का विषय मैंने हिंदी रखा है और यह डिलिब्रेटली मैंने हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रतियोगी परीक्षार्थियों के ध्यान में रखते हुए जिनके समक्ष भाषा को लेकर के संदेह दुविधा होती है मैंने आपराधिक मामलों में अपील कैसे होती है और क्रिमिनल लॉ में अपील प्रोसिक्यूशन की तरफ से और अभियुक्त को दो सिद्धि के अगेंस्ट अभियुक्त अपील कहाँ करेगा अपीलीय न्यायालय क्या है और यदि दोष मुक्ति कर दी गई है अभियुक्त को तो प्रोसिक्यूशन अपील कब करेगा या दंड अपर्याप्त है तो दंड की अपर्याप्ता के आधार पर प्रोसिक्यूशन अपील कहाँ करेगा यदि प्रोसिक्यूशन अपील नहीं करता है तो क्या अपराध पीड़ित को अधिकार है अपील करने का इन सभी प्रावधानों को लेकर के इस व्याख्यान के अंतर्गत बताने का प्रयास करेंगे और उच्चतम न्यायालय का अपील को लेकर के क्या दृष्टिकोण है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उसको भी बताने का प्रयास किया जाएगा तो पहले स्लाइड के माध्यम से आप देखें मैंने इसमें अपील और रिविज़न को एक इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है पहले मैंने लिखा है अपील क्या है फिर नीचे मैंने उसको लिखा है सेक्शन 372 सेवेंटी टू सी अपील नहीं होगी जब तक संहिता द्वारा अनुज्ञात न हो अपील कैसे की जाएगी इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 382 में दिया हुआ है वह अपील ज्ञापन के माध्यम से दिया जाएगा अभियुक्त यदि जे, जे, जेल में है तो वह जेल में रहते हुए अपील कैसे करेगा उसको हम जेल अपील बोलते हैं सेक्शन 383 में दिया गया है इस डायग्राम के माध्यम से मैंने इसको भा, चार भागों में बांटने का प्रयास किया है आप इस पर इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दो सिद्धि के विरुद्ध अपील 374 में बताया गया है यह अभियुक्त अपनी दो सिद्धि के विरुद्ध अपील करता है दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील का प्रावधान सेक्शन 378 में दिया हुआ है दंड अपर्याप्त है उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान सेक्शन थ्री में दिया गया है और यदि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आप सभी छात्रों को यह ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान की आर्टिकल 136 के अंतर्गत एस एल पी मैंने सबसे अंतिम में लिखा हुआ है विशेष अनुमति से अपील का प्रावधान संविधान के आर्टिकल वन थर्टी सिक्स में प्रावधानित किया गया है अब इसको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे कि अपील क्या है और भारतीय संविधान के आर्टिकल वन थर्टी सिक्स से लेकर के सी के अंतर्गत अपील संबंधी क्या प्रावधान दिए गए हैं तो पहले समझने का प्रयास करते हैं कि अपील क्या है अपील यद्यपि सी के अंतर्गत परिभाषित नहीं है लेकिन अपील का जो शाब्दिक अर्थ है वह यह है कि अपील से तात्पर्य एक ऐसे आवेदन से है जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय को किया जाता है मैंने उच्चतर शब्दावली यूज किया उच्चतम नहीं है सुपीरियर एंड सुप्रीम देर इज डिफरेंस बिटवीन सुपीरियर एंड सुप्रीम तो मैंने आ, सुपीरियर शब्दावली का यूज किया है उच्चतर न्यायालय को न कि उच्चतम न्यायालय को तो जिस न्यायालय के द्वारा अभिक को दोषी सिद्धि की गई है ठीक उससे ऊपर का जो न्यायालय होगा वह उच्चतर न्यायालय होगा उस दो वाले न्यायालय के तुलना में तो यह ब्त रखना है इसको और सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो अपील आवेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय को किया गया आवेदन अपील कहलाता है अपील क्यों की जाती है अपील आवेदक के द्वारा किया गया वह आवेदन जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होते हुए वह उच्चतर न्यायालय को आवेदन करता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है अब अभियुक्त भी हो सकता है या प्रोसिक्यूशन हो सकता है असंतुष्टि का भाव अभियुक्त में होगा जब अभियुक्त को दो सिद्ध कर दिया गया है किसी आपराधिक मामले में या अभियुक्त को सजा ज्यादा दे दी गई है अधिक दे दी गई है अभियुक्त को लगता है कि इसमें सजा उसको अधिक हो गई है तो दो सिद्धि के विरुद्ध अपील वह सदैव अभियुक्त की तरफ से उच्चतर न्यायालय में की जाती है और यदि अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है तो दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील सदैव प्रोसिक्यूशन के द्वारा अभियोजन के द्वारा किया जाता है यह सामान्य बात सभी छात्रों को याद रखना चाहिए अब जैसा कि मैंने बताया अपील किसी अपील वह आवेदन है अपील इज एन एप्लीकेशन गिवन बाय एन एक्यूज टू द सुपीरियर कोर्ट उच्चतर न्यायालय को अभियुक्त के द्वारा किया गया आवेदन अपील कहलाता है मैंने आपराधिक मामलों मामलों में में बताया वह सिविल सिविल भी सेम होगा कि कोर्ट के अधीनस्थ निर्णय के विरुद्ध आवेदक के द्वारा अप्लीकेट के द्वारा दिया गया आवेदन अपील कहलाता है तो इतनी बात अपील की परिभाषा सामान्यतः साधारणतः छात्र को समझना चाहिए अब आते हैं कि अपील का उद्देश्य क्या ऑब्जेक्ट क्या है क्यों अपील मैकेनिज्म को डेवलप किया गया आपराधिक मामलों में तो अपील मैकेनिज्म को डेवलप करने का आशय क्रि, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मैं बात करूं आपराधिक न्याय प्रशासन के अंतर्गत बात करूं तो वह अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा त्रुटि अगर है कोई एरर हो गया जजमेंट देते समय या जजमेंट इलीगल है ऐसा सामान्यता होता नहीं है परंतु न्यायाधीश भी एक मानव प्राणी है वह भी एक सामाजिक प्राणी है यदि यदि न्यायाधीश से गलती हो जाए किसी निर्णय के किसी निर्णय में या पेचाने की जाती को वह गलती करेगा ही परंतु फिर भी सामाजिक प्राणी होने के नाते यदि कहीं पर कोई गलती हो जाए तो गलती सुधारने का एक मैकेनिज्म एक मेथड होना चाहिए और चूंकि न्याय का अंतिम उद्देश्य है लोगों के विश्वास को कायम रखना टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत लोगों के विश्वास को कायम रखना यह न्याय का उद्देश्य है ऑब्जेक्ट ऑफ आप जस्टिस है यदि व्यक्ति का विश्वास नहीं होगा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कहीं एक मत एक प्रतिशत भी अगर संदेह है तो निश्चित रूप से वह जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कहीं न कहीं खामियों से भरा है तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में रंच मात्र भी संदेह न हो न्याय के प्रति न्यायपालिका के प्रति इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक मामलों में एज वेल एज सिविल मामलों में भी अपील संबंधी प्रावधान को रखा गया है कि यदि किसी किसी भी व्यक्ति या अभियुक्त के मस्तिष्क में न्यायालय के निर्णय के प्रति असंतुष्टि का अभाव है तो उस असंतुष्ट निर्णय के विरुद्ध वह अपील वह उससे ठीक ऊपर न्यायालय में जाए और उसके लिए तब तक उस न्यायालय में आवेदन करे जब तक कि वह अंतिम सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस पर निर्णय दे दिया जाए तो इन सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपील संबंधी प्रावधान सी की धारा 372 से लेकर के 394 तक किया गया जब हम दांडिक मामलों में क्रिमिनल मामलों में अपील की बात करेंगे तो छा छात्रों के मस्तिष्क मन मन मस्तिष्क पटल पर यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हम सीआरपीसी सी की केवल धारा थ्री सेवेंटी टू से लेकर के थ्री नाइन्टी फोर की बात कर रहे हैं कम से कम एटलीस्ट इतना मालूम होना चाहिए कि ये 372 से लेकर के अगर 394 की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं अपील संबंधी बात हो रही है क्रिमिनल मामलों की अपील बात हो रही है न तो 371 हो सकता है न तो 395 हो सकता है तो एक तो ये याद रखना है कि अपील कहां से कहां तक दिया गया है सीआरपीसी के अंतर्गत वह है थ्री से लेकर के थ्री तक अपील संबंधी प्रावधान अब मैंने बताया अपील की परिभाषा बताया अपील का ऑब्जेक्ट क्या है अपील का उद्देश्य टू रेक्टिफाई द एरर कमिटेड बाई सबार्डिनेट कोर्ट सबार्डिनेट कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कमिट की गई एरर को त्रुटि को सुधारना यह अपील का उद्देश्य होता है अपीली न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उसके द्वारा की गई त्रुटि को खामी को दूर करने का एक मेथड अपील के माध्यम से यह अब यह प्रश्न होता है कि अपीली न्यायालय कौन से हैं तो अपीली न्यायालय में एक स्लाइड के माध्यम से अभी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इसमें देखें जो मैंने अभी स्लाइड दिया है कि दो सिद्धि के विरुद्ध अपील इसको मैंने लिखा है कि यदि अभियुक्त दो सिद्ध हो जाता है तो दो सिद्धि के विरुद्ध अपील कैसे होगी ए सीआरपीसी का सेक्शन 374 बताया गया है उसमें मैंने ये जो एरो बना करके दिया बताया हुआ है कि अपीली न्यायालय कौन होंगे सबसे नीचे मैंने देखिए लिखा हुआ है जे फर्स्ट है ऑब्लिक एम एम फर्स्ट करके लिखा हुआ संक्षेप में सुविधा के लिए मैंने उसको इस रूप में लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट है यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट मेट्रो एम एम का मतलब है मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और उसके ऊपर ठीक मैंने लिखा है सत्र न्यायालय लिखा है सत्र न्यायालय के ठीक ऊपर एरो बना के हाई कोर्ट लिखा है हाई कोर्ट के ठीक ऊपर मैंने सुप्रीम कोर्ट लिखा है जहां तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात है छात्रों को यह संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये तो अपीली न्यायालय है ही लेकिन सत्र न्यायालय भी जिले स्तर पर अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करता है सत्र न्यायालय ट्रायल कोर्ट भी है उसमें ट्रायल भी होता है और साथ ही साथ अपीली न्यायालय भी अपीली कैसे होगा इस स्लाइड के माध्यम से आप देखें न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के निर्णय से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह कहाँ अपील करेगा सत्र न्यायालय में सत्र न्यायालय ने यदि किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध किया है तो उस दोष के विरुद्ध अपील कहाँ होगी हाई कोर्ट में होगी यदि हाई कोर्ट ने किसी अभियुक्त को सिद्ध किया है तो दोषी अभियुक्त कहाँ अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में करेगा ये मैंने इस चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास करेगा केवल इतनी बात ध्यान में रख लें कि अपीली न्यायालय कौन सा है सत्र न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अब पुनः है आते हैं अपने स्लाइड प्रारंभिक स्लाइड पर जहां पर मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि अपील कैसे की जाएगी अपील की परिभाषा हो गई अपील संबंधी प्रावधान कहाँ से कहाँ तक दिया गया है यह हो गया अब आते हैं कि अपील कैसे की जाएगी अपील हाउ मेड तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि अपील की डिफिनेशन क्या है फिर हो गया कि अपील का ऑब्जेक्ट क्या उद्देश्य क्या है अब आते हैं अपील हाउ मेड अपील कैसे की जाएगी कहीं न कहीं उसका कुछ प्रारूप होना चाहिए कहीं ना कहीं उसका कोई प्रोसीजर होना चाहिए तो अपील कैसे की जाएगी यह स्टैचूड जो सीआरपीसी है उसकी धारा 382 में ही बता दिया गया है वह सेक्शन 382 क्या है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 382 एटी टू यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक आपराधिक मामलों में प्रत्येक अपील न्यायालय के निर्णय की एक प्रति जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उसकी एक कॉपी जजमेंट की कॉपी निर्णय की एक कॉपी और उसके साथ आवेदन के द्वारा जिसे हम अपील मेमोरेंडम कहते हैं अपील ज्ञापन कहते हैं अर्थात धारा तीन के अनुसार अपील आपराधिक मामलों में प्रत्येक अपील आवेदन आवेदन का मतलब आवेदक अपनी पूरी उसमें कथा व्यथा लिखेगा कि क्या उसको किस भाव से क्या संतुष्टि है न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है वह आवेदन और आवेदक के द्वारा आवेदन उस आवेदन अलॉन्ग विथ अ कॉपी ऑफ जजमेंट उस आवेदन के साथ उस अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की एक प्रति संलग्न करते हुए उच्चतर न्यायालय में अपील दायर किया जाएगा तो ये हो गया प्रोसीजर हो गया सेक्शन 382 में बताया गया कि अपील कैसे किया जाएगा यह 382 में बताया गया कि आवेदन प्लस अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ आवेदन किया जाएगा अब यदि अभियुक्त जेल में है सामानतर दोसिद्धि के मामलों में जब अपील होगी तो अभियुक्त जेल में ही होगा और अभियुक्त जब जेल में होगा यदि वहां से अपने निर्णय की वैधता को चुनौती देना चाहता है अपील में जाना चाहता है तो उसके लिए प्रोसीजर सेक्शन थ्री में बताया गया है यह प्रारंभिक परीक्षा में भी प्राय प्रश्न प्रश्न पुछ, पूछे जाते हैं कि जेल अपील क्या है तो सेक्शन 383 जो है वह जेल अपील की बात करती है जब अभियुक्त जेल जहां अभियुक्त जेल में है वहां पर यदि वह अपील करना चाहता है तो उस अभियुक्त के द्वारा लिखे गए आवेदन उसके हस्ताक्षरित किए गए आवेदन और निर्णय की प्रति उस अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की एक प्रति कॉपी निर्णय की कॉपी जजमेंट की कॉपी के साथ जेल अधीक्षक के माध्यम से ये जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त यदि अपील करना चाहता है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से वह अपील संबंधित अपीली न्यायालय को अग्रसारित किया जाएगा भेजा जाएगा और यह धारा 383 के अंतर्गत जेल अपील के विषय में प्रावधान बताया गया है अब ये तो हो गया कि जेल कै जेल अपील कैसे की जाएगी अपील मेमोरेंडम क्या होगा सेक्शन 382 के अंतर्गत अपील कैसे की जाएगी मैंने बताया आवेदन अप्लीकेशन एलॉन्ग विथ अ कॉपी ऑफ जजमेंट निर्णय की अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कॉपी के साथ अपील की जाएगी कहाँ की जाएगी अपीली न्यायालय में की जाएगी यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ने किसी मामले में निर्णय दिया है तो उस निर्णय के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में होगी उदाहरण के तौर पर आप सभी को मालूम होगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सी की धारा ट्वेंटी के अंतर्गत किसी भी आपराधिक मामलों में तीन वर्ष तक के कारावास को तीन वर्ष तक के कारावास के दंड देने के लिए अधिकृत है अथवा दो दस हजार रुपया जुर्माना लगा सकता है यदि किसी मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा तीन वर्ष छह माह का कारावास दिया गया है तो ऐसा निर्णय अवैध होगा क्योंकि ला इस बात की अनुमति उसको ला इस बात का पावर उसको नहीं दे रखा है तो ऐसा निर्णय इलीगल होगा अवैध होगा या दस हजार रुपये जुर्माने की पावर दी गई है न्यायिक मजिस्ट्रेट को यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी भी अभियुक्त के ऊपर ग्यारह या दस से ज्यादा बारह अगर जुर्माना लगाया तो लगाया गया ऐसा जुर्माना ऐसा फ़ाइन के विरुद्ध अभियुक्त अपील में जा सकता है किस न्यायालय में जाएगा सत्र न्यायालय के समक्ष वह अपील कर सकता है तो ये ध्यान रखना है कि पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए कि, कि किस न्यायालय की अधिकारिता क्या है कितना वह पनिशमेंट दे सकता है कितना वह फाइन इम्पोज कर सकता है और तभी यह मालूम होगा कि यह जो जजमेंट है वह गलत है या सही है जब तक हमें यह नहीं मालूम होगा कि, कि किसी भी कोर्ट का पावर क्या है कोई कोर्ट कितना फाइन इम्पोज कर सकता है कितना पनिशमेंट दे सकता है तब तक हम उसके द्वारा दिए गए निर्णय के गलत या सही होने का अंदाज़ नहीं अनुमान नहीं लगा सकते इसलिए छात्रों से यह अपेक्षित है कि वह ये जाने कि जो ये कोर्ट हैं कोर्ट के जुडिशियन क्या हैं कि ये जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग हैं सीजियम हैं इनके पावर क्या हैं कितना मैक्सिमम पनिशमेंट ये दे सकते हैं तो जब तक पनिशमेंट नहीं मालूम होगा कितना पनिशमेंट दे सकते हैं तब तक ये कैसे मालूम होगा कि जो जो न्यायालय ने जजमेंट दिया है वह गलत है या सही है तो सबसे पहले जाना जरूरी है कि न्यायालय पनिशमेंट कितना दे सकती है पेनल्टी कितना इम्पोज कर सकती है यह जानना भी आवश्यक है अब जो आपराधिक मामलों में अपील की शुरुआती धारा है थ्री सेवेंटी टू उस थ्री सेवेंटी टू को देखें तो सेक्शन थ्री सेवेंटी टू सी आर पी सी में प्रावधान किया गया है कि जब तक संहिता के द्वारा प्रावधानित तो न हो अपील नहीं होगी अर्थात प्रारंभ में ही लिख दिया गया है अपील के प्रावधान जहाँ से प्रारंभ होते हैं वहीं पर ये लिख दिया गया जिससे कोई डाउट न हो न्यायालय को अभियुक्त को प्रोसिक्यूशन को पक्षकार किसी पार्टी को यह डाउट ही न हो कि अपील होगी या नहीं होगी तो सी की धारा थ्री में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि केवल उन्हीं मामलों में अपील होगी जहाँ पे सी ने दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रावधान किया गया है अन्यथा नहीं अर्थात अपील का जो राइट है राइट टू अपील यह किसी भी अभियुक्त का एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है और निष्पक्ष विचारण के लिए फेयर ट्रायल के लिए और इन ऑर्डर टू एनश्योर स्पीडी जस्टिस इन ऑर्डर टू एनश्योर फेयर जस्टिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि अभियुक्त को अपील करने का अधिकार दिया जाए यदि अभियुक्त किसी न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उससे वह उच्चतर न्यायालय में जा सके अपने अपनी असंतुष्टि के भाव को वहाँ प्रकट कर सके तो यह एक फेयर जस्टिस का निष्पक्ष न्याय का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसलिए इसलिए भी राइट टू अपील का रिकॉग्नाइज किया जाना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लीगल सिस्टम के लिए आवश्यक है और भारतीय भी भारतीय विधि के अंतर्गत भी आपराधिक मामलों में इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक मामलों में अपील का प्रावधान किया गया है अब देखते हैं कि अपील सेक्शन थ्री सेवेंटी टू में लिख दिया गया कि अपील वहीं पर होगी जहां सीआरपीसी परमिट करती है अन्य सभी मामलों में अपील नहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं कि अपील जो है दैट इज लीगल राइट स्टैचुटरी राइट स्टैचुटरी राइट क्यों जहां पे स्टैचूट ने राइट दिया है वहीं पर हम उस राइट को क्लेम कर सकते हैं अदरवाइज हम राइट को क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम हर मामलों में अपील में जाएंगे तो अपराध की गंभीरता के आधार पर सी सी के अंतर्गत अपील को दो भागों में बांट दिया गया वे मामले जिसमें अपील होगी और वे मामले जिसमें अपील नहीं होगी अपीलेबल मैटर्स नॉन अपीलेबल मैटर्स अर्थात तो वे अपराध जिसमें अपील अलाउ किया गया और वे अपराध जिसमें अपील अलाउ नहीं किया गया है तो स्वाभाविक है अपील करने से अपील ही न्यायालय का जो महत्वपूर्ण समय है वह भी कीमती समय है वह भी बचाया जा सकेगा जो छोटे आपराधिक मामले हैं उसमें अपील यदि करने का प्रावर दे दिया जाए तो अपीली न्यायालय का जो समय है वह छोटे मामलों को निस्तारित करने में जाया होगा बर्बाद होगा इसलिए वे मामले जो तुच्छ पिटी टी ऑफेंसेज हैं छोटे आपराधिक मामले हैं उसमें अपीली न्यायालय के कीमती समय को महत्वपूर्ण समय को बर्बाद न किया जा सके इसलिए सी के अंतर्गत उन्हें रोक दिया गया है मैं स्लाइड के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा देखिए मैंने ये लिखा है स्लाइड पे कि वे मामले जहां अपील नहीं होती तो इसमें सेक्शन 375 में मैंने लिखा है कि जहां अभियुक्त दोषी होना स्वीकार कर ले और दोषिधि हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है हाईकोर्ट के समक्ष यदि अभियुक्त कहता है कि अभियुक्त कन्फेस कर लेता है कि ही है हैज कमिटेड द ऑफेंस तो हाईकोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यदि अभियुक्त ने दोषिधि स्वीकार कर ली है तो उसके विरुद्ध अपील नहीं होगी फिर दूसरा मैंने लिखा हुआ इसी स्लाइड में कि जहां दो सिद्धि न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा दी गई हो वहां पे भी अपील सत्र न्यायालय में नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में जहां पर खुद अभियुक्त न्यायालय के समक्ष दोषी होना स्वीकार कर लेता है वहां पर आगे की अपील को रोक दिया गया है कारण क्यों है जब अभियुक्त अपने गिल्ट को स्वयं एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसी स्थिति में और हाईकोर्ट के समक्ष अगर अपने दोष को स्वीकार किया है तो ऐसी स्थिति में अपील अलाउ न किया जाए कारण उसका क्या है यद्यप कि ऐसे मामले सौ में एक परसेंट या दो परसेंट आते होंगे जहां पर अभियुक्त न्यायालय के समझ स्वयं अपने अपराध को स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं मामले आते ही नहीं प्राय आप मीडिया के माध्यम से देखते होंगे या इस पर केसेस भी होते हैं कि कोई अभियुक्त है जिसने अपने पारिवारिक प्रतिद्वंदता में रंजिस में हत्या कर देता है मर्डर कर देता है स्वयं हथियार लेकर के पुलिस थाने में जाता है बोलता है कि मैंने आई हैव कमिटेड दिस मर्डर और मुझे इस बात का कोई प्राश्चित कोई पश्चाताप नहीं है क्योंकि मेरे पिता की हत्या इस व्यक्ति के द्वारा की गई थी और उसको फिर सजा भी हो जाती है कोर्ट में भी जाके बोलता है कि मुझे इस पर कोई प्राश्चित नहीं है मैंने उसको मारा तो अब ऐसी स्थिति में जब स्वयं अभियुक्त अपराध की स्वीकारोक्ति करता है यद्यप कि रेयरिस्ट ऑफ रेयर केस है एक परसेंट चांस होता है ऐसी स्थितियों में परंतु फिर भी जहां पर अभियुक्त अपने अपराध की स्वीकार कर ले तो न्यायालय उसमें किस आधार पर अपील के लिए अलाउ करेगा किस आधार पर जब उसको कोई संतुष्टि कोई न्यायालय के निर्णय से कोई असंतुष्ट ही नहीं है तो अपील करने को वहाँ पर रोक दिया गया सेक्शन थ्री सेवेंटी फाइव ये कहता है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने अपराध की स्वीकारोक्ति करता है वहाँ पर अपील नहीं होगी एक ये है अब दूसरी स्लाइड के माध्यम से देखें मैंने ये बताने का प्रयास किया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है सेक्शन थ्री सीआरपीसी की धारा तीन के अंतर्गत मैंने इस डायग्राम को बनाने का प्रयास किया है कि हाई कोर्ट जहां छः माह का कारावास देता है या जुर्माना या जुर्माना जो है वह एक हजार रुपये का लगाता है वहां पर वहां पर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए छः माह के कारावास और या एक हजार रुपये के जुर्माना की स्थिति में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी ऐसा क्यों अब यह बहुत स्वाभाविक है कि यदि उच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामले में छः माह का कारावास देता है या एक हजार रुपये का जुर्माना लगाता है तो यदि उच्चतम न्यायालय में अपील करने का संविधि में कानून में अधिकार दे दिया गया होता तो आप कल्पना करिए कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट में बहुत लिमिटेड है ये देश आजाद हुआ नाइनटीन में उन्नीस में संविधान उन्नीस में लागू हुआ हमारे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आप देखेंगे तो उसमें सेवन थी सात थी फिर सत्रह हुई फिर पच्चीस हुई तो जब उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या सत्रह सेवेंटीन थी ट्वेंटी फाइव थी पच्चीस न्यायाधीश थे और उन पच्चीस न्यायाधीशों के पास अगर ऐसे मामले इस देश से जाते कि छः माह से कारावास में किसी को सजा हुई है छः माह की वो भी सुप्रीम कोर्ट चला गया अपील के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जो देश के अन्य महत्वपूर्ण मामले होते थे उन अन्य महत्वपूर्ण मामलों को निस्तारित करने में फिर सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा समय लगता है इसलिए यह डिलीबरेटली संविधान में ऐसा कानून में प्रावधान किया गया कि जब हाई कोर्ट ऐसे किसी भी अपराध में जिसमें छह माह का कारावास देता है एक हजार रुपये का जुर्माना लगाता है ऐसे मामले के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी तो इस उद्देश्य के तहत अपील को रोका गया है दूसरा इसमें है स्लाइड के माध्यम से देखिए मैंने बताया है अब आता है सत्र न्यायालय का जब सत्र न्यायालय किसी आपराधिक मामले में तीन माह का कारावास देता है अथवा दो सौ रुपये का जुर्माना लगाता है तो स्वाभाविक है कि ये ऐसे छोटे मामले हैं कि किसी अभियुक्त को अगर तीन महीने की सजा होती है तीन माह का कारावास होता है या दो सौ रुपये जुर्माना लगाए जाते हैं तो आप कल्पना करिए कि दो सौ रुपये जुर्माने से असंतुष्ट व्यक्ति या तीन माह के कारावास से असंतुष्ट व्यक्ति यदि हाई कोर्ट अपील में जाता है तो वह या तो पेशेवर मुकदमेबाज हो सकता है या वह यह लेसन टीच करने के लिए कि मैं इस न्यायाधीश के निर्णय को या न्यायाधीश को परेशान करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील जरूर करूंगा वरना दो सौ के जुर्माने लगाने की स्थिति में यदि अपील करने की पावर दे दी गई होती कि सत्र न्यायालय अगर दो सौ का जुर्माना लगाता है तो अभियुक्त फिर भी जा सकता है कोर्ट में तो निश्चित रूप से इस विधिक प्रावधान का दुरुपयोग होते जो पेशेवर लिटिगेंट्स होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा बिल्कुल नहीं मुकदमा लड़ना मुकदमेबाजी करनी है तो वह इस सत्र न्यायालय के दो सौ रुपये के जुर्माने के निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील करते और राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वहाँ भी बहुत लिमिटेड संख्या है और उन न्यायाधीशों के पास हाई कोर्ट के जजेस के पास भी पूरे प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेज होती हैं संवेदनशील मामले होते हैं उनमें वे अपना समय नहीं दे पाते क्योंकि अगर उनको एक कानून कानूनी अधिकार दे दिया गया होता है करने का तो शायद साथ ही साथ वह दो सौ रुपये की अपील का मामला भी देखते और दो करोड़ के रुपए के घोटाले वाले मामले भी देखते तो जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज हैं जिससे कि राज्य की अथवा राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक नुकसान होने वाले भ्रष्टाचार के मामले हैं उस पर समय कम हो पाता और क्यों क्योंकि उनको कानून में यह भी अधिकार दिया गया है कि दो सौ जुर्माने के अगेंस्ट भी सुनवाई करनी है तो ये जानबूझ कर सीआरपीसी में ऐसे धारा तीन के अंतर्गत छोटे मामलों में पेटी ऑफेंस छोटे मामले क्या हैं जिसमें अपील नहीं होगी ये धारा थ्री सेवेंटी के अंतर्गत देख सकते हैं अब तीसरा जो है स्लाइड पर आप देखें मैंने लिखा है थर्ड जब न्यायिक मजिस्ट्रेट जेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सौ रुपए का जुर्माना लगाए ये चौथा मैंने लिखा है कि जब विचारण दो के अधीन हो और जुर्माना दो सौ रुपया लगाया जाए उस स्लाइड में इधर आ गया थोड़ा तो जब विचारण दो सौ साठ के अधीन हो और जुर्माना दो सौ रुपया लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में दो सौ साठ के अंतर्गत समरी ट्रायल है संक्षिप्त विचारण है तो अर्थात वे अपराध जिसमें अधिकतम सजा तीन माह की हो सकती है या वे अपराध जो एक हजार रुपये जुर्माने से दंडनीय है उन आपराधिक मामलों में संक्षिप्त विचारण होता है समरी ट्रायल होता है तो समरी ट्रायल की स्थिति में यदि न्यायाधीश के द्वारा दो सौ रुपए का जुर्माना लगाया जाए या न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी आपराधिक मामले में सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाए तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में नहीं होगी क्यों नहीं होगा आप उसको देख सकते हैं जुर्माने की धनराशि भी बहुत कम है और सत्र न्यायालय जिले स्तर का अपीली न्यायालय भी है और आरंभिक अधिकारिता वाला न्यायालय भी है सत्र न्यायालय को एक ही साथ आपराधिक मामले में हत्या जैसे मामले में ट्रायल भी करना होता है विचार भी करना होता है बहस की कार्रवाई भी प्रारंभ करनी होती है अभियुक्त को दोषित भी करना होता है साथ ही साथ जिले स्तर में जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के कोर्ट हैं सी के कोर्ट हैं उन सभी के मामले को अपीली न्यायालय के रूप में सुनना भी होता है तो यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट और सी की कोर्ट से असंतुष्ट मामले अगर सत्र न्यायालय में जा रहे हैं उसमें साथ ही साथ ऐसे भी हैं अपराध हैं जिसमें सौ रुपये के जुर्माने का भी है तो निश्चित रूप से यह पेंडेंसी यह एक प्रकार से आपराधिक न्यायालयों में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसमें पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस आपराधिक आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित वादों की संख्या में बढ़ाने का एक लाइसेंस मिल जाएगा इसलिए ऐसे प्रावधान कर देने से क्या हम किस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाए ये अपील करने से जो रोका गया है इसके माध्यम से हम दो उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं एक तो यह है कि हम न्यायालय के बहुमूल्य समय को बचाते हैं अनावश्यक मुकदमेबाजी को बचाते हैं दूसरा हम आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित वादों की संख्या को भी रिड्यूस करते हैं जिससे हमारी न्याय के प्रति लोगों के विश्वास भी बढ़ने में मदद करता है जब हम देखते हैं कि आज के अगर हम डेटा देखें कि पूरे भारत में तो लगभग आठ साढ़े आठ करोड़ से ज़्यादा मामले अभी लंबित हैं आपराधिक मामले लंबित हैं वह अधीनस्थ न्यायालय के समझ सबॉर्डिनेट कोर्ट के समझ तो ये बहुत ही भयावह स्थिति होती है जब हम देखते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेज कितने हैं सबार्डिनेट कोर्ट के समझ और अगर ये ये प्रावधान ऐसे अपील न रोका गया होता तो पेंडेंसी और बढ़ जाती ये जो रेशियो है परसेंटेज है और भी बढ़ता तो मैं समझता हूँ कि छोटे मामलों में अपील का न होना ये भी आप समझ गए होंगे और यह किस उद्देश्य से रखा गया छोटे मामलों में अपील नहीं होगी या तो ये हो गया अपील संबंधी प्रावधान अब इसमें मैंने स्लाइड जो आप देखें अब यह है दो सिद्धि के विरुद्ध अपील आते हैं कि दो सिद्धि के विरुद्ध अपील संबंधी प्रावधान सीआरपीसी की धारा थ्री सेवेंटी फोर में दिया हुआ है और एक साइड मैंने लिखा हुआ कि संविधान के आर्टिकल 134 में दिया हुआ है अब जब अभियुक्त को दो सिद्ध किया जाता है तो अपील में वह कहा जाएगा अपीली न्यायालय मैंने इसमें नीचे लिखा हुआ है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ने किया है तो सत्र न्यायालय के समक्ष सत्र न्यायालय के द्वारा दोषि की गई है तो हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने किसी को दो सिद्ध किया है तो सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्त जा सकता है अब जब सीआरपीसी की धारा थ्री में दो सिद्धि के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया तो भारतीय संविधान के आर्टिकल वन में अलग से दो सिद्धि के विरुद्ध अपील संबंधी प्रावधान को क्यों रखा गया आपराधिक मामलों में अपील संबंधी प्रावधान को क्यों रखा गया इस पर भी चर्चा करेंगे तो अब यह संविधानिक के प्रावधान को और सीआरपीसी के प्रावधान को स्लाइड के माध्यम से मैंने एक जगह लाने का प्रयास किया जिससे छात्रों को न केवल सीआरपीसी के विषय में जानकारी हो सके बल्कि उसके कनेक्टेड जो उससे संबंधित प्रावधान है जो अब देश की सर्वोच्च विधि यदि संविधान में उससे संबंधित कोई प्रावधान है तो निश्चित रूप से उस भारतीय संविधान के प्रावधान को भी दांडिक मामलों सीआरपीसी से या अन्य किसी भी विधि से कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए यह बेहतर माध्यम होता है समझने का तो सीआरपीसी की सेक्शन वन थ्री सेवेंटी फोर तीन सौ चौहत्तर के अंतर्गत दो सिद्धि के विरुद्ध अपील को देखते हैं जहां पर दो सिद्धि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा महानगरीय क्षेत्रों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा दंडादेश दिया गया हो उस दंडादेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय के द्वारा स्वीकार की जाएगी सत्र न्यायालय में की जाएगी अपील कैसे की जाएगी ये धारा तीन मैंने पहले ही बता दिया है कि सत्य न्यायालय में भी जब अपील की जाएगी तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के निर्णय की कॉपी प्रति और आवेदन दोनों एक साथ संलग्न कर सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा सत्र न्यायालय के द्वारा यदि किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्धि की गई है तो ऐसी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी या उच्च न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामले में सत्र न्यायालय के द्वारा दिए गए दंडा सत्र न्यायालय ने किसी अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया और दोषमुक्ति हुई है उसके विरुद्ध अपील अभियोजन करता है तो दोषमुक्ति के आदेश को पलट कर यदि हाईकोर्ट अभियुक्त को सिद्ध कर देता है तो उस दोषिद्धि के विरुद्ध अपील अभियुक्त उच्चतम न्यायालय में करेगा कि वह तो सत्र न्यायालय से बरी हो गया था दोषमुक्त कर दिया गया था परंतु हाईकोर्ट ने उसको सिद्ध कर दिया तो ऐसी स्थिति में संविधान के आर्टिकल वन थर्टी फोर एक आता है कि जहाँ पर उच्च न्यायालय अपने समक्ष अपने अधीनस्थ किसी सत्र न्यायालय के निर्णय को पलट कर उसमें अभियुक्त को दो सिद्धि प्रदान कर दे या दोष मुक्ति के आदेश को दो सिद्धि में कन्वर्ट कर दे ऐसी स्थिति में दो सिद्धि के विरुद्ध अपील अभियुक्त संविधान के आर्टिकल वन थर्टी फोर एक सौ चौंतीस के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में कर सकता है तो यह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने संबंधी प्रावधान सेक्शन थ्री सेवेंटी फोर और थ्री सेवेंटी एक संविधान के आर्टिकल एक सौ चौंतीस और सीआरपीसी की धारा 324 के अंतर्गत आप इसको आपने देखा अब आते हैं अपीली न्यायालय की पावर क्या है अपीली न्यायालय क्या कर सकता है यह धारा 386 में दिया हुआ है मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है देखिए दोष मुक्ति के आदेश को बदलकर पुनः बेचाण का आदेश दे सकता है अपीलेट कोर्ट के पावर क्या होंगे यह सीआरपीसी की धारा 386 में दिया गया है तो सामान्यतः अपीली न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बदल सकता क्या क्या कर सकता है या तो दोषमुक्ति के आदेश को बदलकर पुनः ट्रायल रीट्रायल का आदेश दे सकता है या अपीली न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेश को दोष में बदल सकता है या दो सिद्ध दो सिद्धि के आदेश को दोष मुक्त में बदल सकता है या दंडादेश को बढ़ा सकता है या घटा सकता है अपीली न्यायालय को लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दंड कम दिया है तो दंड जो है वो बढ़ा सकता है एनहांस कर सकता है एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस को एनहांस कर सकता है यदि सबॉर्डिनेट कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने दंड ज्यादा दिया है तो दंड अधिक मात्रा को रिड्यूस कर सकता है सत्र न्यायालय या सत्र न्यायालय या अपीली न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को एज इट इज मेंटेन कर सकता है यथावत रख सकता है उसको लगता है कि नहीं अधीनस्थ न्यायालय ने सही किया है तो अपील में भले हुआ अभियुक्त आया हुआ या प्रोसिक्यूशन आया हुआ है उस दंडादेश को बरकरार रख सकता है दंड अपर्याप्त है यदि अभियोजन पक्ष ने अपील किया है तो न्यायालय को लगता है कि दंड अपर्याप्त नहीं बल्कि सही है तो ऐसी स्थिति में अपीली न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराते हुए उसी निर्णय पर कायम रख सकता है ये बात हो गई तो कितनी कितनी मतलब इस स्लाइड को माध्यम से आप देखें कि अपीली न्यायालय सामान्यतः क्या क्या कर सकता है वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रख सकता है पहला दूसरा वह अधीनस्थ न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय को दोषसिद्धि में बदल सकता है तीसरा वह अधीनस्थ न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय को दोष सिद्धि में कन्वर्ट कर सकता है चौथा वह अधीनस्थ न्यायालय के अधिक दंडादेश को कम कर सकता है दंडादेश को घटा सकता है पांचवा यदि अधीनस्थ न्यायालय ने दंड कम दिया है तो उसको बढ़ा सकता है यदि अधीनस्थ न्यायालय ने दंड ट्रायल नहीं सही किया है तो अपीली न्यायालय उस मामले को ट्रायल पुनः ट्रायल करने के लिए विषाण का आदेश दे सकता है कैसे आप सभी को क्या रिट्रायल का मैटर कैसे हो सकता है आप सभी को मालूम होगा जाहिरा शेख का केस जाहिरा शेख के बनाम गुजरात राज्य आई आर का केस जिसमें यह पाया गया कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया बरी कर दिया तो उस मामले को ट्रांसफर करके चला गया बॉम्बे कोर्ट में या उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक केस घटित हुई अपराध हुआ आ, मधुमिता शुक्ला मर्डर केस मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में आ, उसकी मृतका की बहन जो निधि शुक्ला है उसने न्यायालय में आवेदन किया कि अगर उत्तर प्रदेश राज्य में इस यहाँ के अगर कोर्ट में मामला चलेगा तो जो अभियुक्त है इतना इन्फ्लुएंशियल है राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह न्याय को भी प्रभावित कर सकता है तो चूंकि आपराधिक मामलों में प्रावधान है कि ऐसी स्थितियों में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जहाँ पर आवेदक या अपराध पीड़ित आवेदन देता है कि उस ज़िले में या उस स्टेट में उसको न्याय मिलने में कठिनाई होगी वहाँ पर उस राज्य से दूसरे राज्य के हाई कोर्ट को या एक जिले के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मामला ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो आप सभी को जैसा ज्ञात होगा कि निधि शुक्ला के द्वारा जब आवेदन दिया गया कि इस मैटर को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके उत्तरांचल ले जाया जाए तो उस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य से वह मामला ट्रांसफ़र होकर के उत्तराखंड चला गया और जब उत्तराखंड मामला हो गया तो वहाँ की हाई कोर्ट ने वहाँ के ट्रायल कोर्ट ने जिला न्यायालय ने उस मामले में अभियुक्त को दोषी करार करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई तो ये प्रावधान हैं आपराधिक मामलों में जिस किसी भी अपराध पीड़ित को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रति न्याय उस ज़िले में नहीं हो पाएगी या स्टेट में भी वह अभियुक्त प्रभावित कर सकता है इतना प्रभावशाली है और ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाए तो वह एक जिले से दूसरे जिले में और यदि सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाए तो एक कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांस मामला ट्रांसफ़र कर सकता है तो ये बात ध्यान रखना है कि दोष मुक्ति के आदेश को बदलकर पुनः रि ट्रायल का मामला भी अपीलीय न्यायालय रीट्रायल का आदेश दे सकता है अब इस स्लाइड में मैंने एक और भी बात जो बताने का प्रयास किया है वह स्लाइड देखें उसमें मैंने लिखा है अपील लंबित रहने तक अभियुक्त को अभियुक्त को, को जमानत देने का भी पावर है सेक्शन थ्री मैंने लिखा हुआ है क्या है इसमें कि अपील लंबित रहने तक अभियुक्त को बेल दिया जा सकता है अपीलेट कोर्ट की एक पावर इंपॉर्टेंट पावर यह भी है पावर टू ग्रांट बेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील अपील के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जा सकता है यह अपीली न्यायालय की शक्ति सेक्शन 389 एटी सीआरपीसी में भी दिया हुआ है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पीवी वी नरसिम्हा राव वर्सेजिस्ट्रेट का मामला पीवी वी नरसिम्हा राव के विरुद्ध जब ट्रायल कोर्ट के द्वारा दोषिध कर दिया गया उन्हें तो उन्होंने अपील किया उस दो सिद्धि के विरुद्ध और जब मामला वह अपील में लंबित था जब वह उनका केस अपील स्वीकार कर ली गई अपील पेंडिंग थी तो उसी दौरान उनको जमानत भी बेल भी दे दिया गया तो अपील पेंडिंग होने में अपील लंबित होने में अभियुक्त को जमानत भी दिया जा सकता है यह अपीलेट कोर्ट का पावर है तो ये मैंने बताने का प्रयास किया कि अपीली न्यायालय क्या क्या कार्य कर सकता है और अब इसके थोड़ा सा ठीक एक स्लाइड ये जो माना मैंने पहली स्लाइड बताया था इसमें देखें दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील कौन जाएगा ये सेक्शन स्लाइड पर देखें सेक्शन 378 में मैंने लिखा हुआ है दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील सदैव अभियोजन पक्ष करता है अभियोजन जाता है अभियोजन चूंकि अपराध पीड़ित की तरफ से सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और दोष मुक्ति के आदेश में ऐसा माना जाता है कि वह स्टेट के अभी स्टेट असंतुष्ट है अपराध पीड़ित असंतुष्ट है स्टेट असंतुष्ट है इसलिए दोष मुक्ति के आदेश में अपील सदैव प्रोसिक्यूशन अभियोजन के द्वारा राज्य सरकार राज्य के पक्षकार के द्वारा की जाती है अब एक संशोधन आया इसमें सेक्शन थ्री सेवेंटी टू के अंतर्गत भी तीन सौ बहत्तर में भी एक संशोधन किया गया सीआरपीसी के अंतर्गत और वह संशोधन आपराधिक मामलों में सुधार के लिए गठित समिति मलिमत समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया मलिमत कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि जब आपराधिक मामलों में प्रायः देखा जाता है कि अभियोजन या तो बहुत विलंब से अपील करता है या अभियोजन अपील नहीं भी करता है तो ऐसी स्थिति में अपराध पीड़ित जो है या पीड़िता को यह राइट होना चाहिए कि वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कर दे ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट संशोधन हुआ है अपील के विषय में क्या कि दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील या दंड की अपर्याप्तता के विरुद्ध अपील अभियोजन के साथ ही साथ अपराध पीड़ित या पीड़िता के द्वारा भी किया जा सकेगा यह संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वर्ष 2005 से जो 2006 में इफेक्टिव हुआ ये जोड़ा गया है और जिसका उद्देश्य केवल और केवल अपराध पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने के लिए उसे भी एक अधिकार प्रदान करना यदि वह न्यायालय के से असंतुष्ट है अभियोजन अपील नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में अपराध पीड़ित या पीड़िता अपील में जा सकती है इस प्रावधान को भी इसमें लाया गया है मैंने बताया मलिम समिति की सिफारिश के आधार पर यह संशोधन किया गया है अब देखें दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील सेक्शन 378 में दिया गया है अभियोजन करता है दंड की अपर्याप्तता के आधार पर एडिक इनएडिकुएसी ऑफ सेंटेंस जो सेंटेंस है वो इनएडिकुएट है तो ऐसी स्थिति में आ, कौन अपील करेगा अभियुक्त तो अपील करेगा कि हमारा दंड पर्याप्त है दंड और बढ़ा दिया जाए नो यह स्टेट करता है यह अभियोजन करता है कि जो अभियुक्त को सजा दी गई है इसमें आजीवन कारावास होना चाहिए था जबकि दस वर्ष की सजा हुई बीस वर्ष की सजा हुई इस सजा से हम संतुष्ट नहीं हैं तो अभियोजन के द्वारा दंड की अपर्याप्ता के आधार पर अपील कैसे होगी किस न्यायालय को होगी यह सेक्शन थ्री सेवेंटी सेवन में बताया गया है अपील किस न्यायालय को होगी मैंने पहले ही बताया है अपीली न्यायालय का क्रम सत्र न्यायालय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो इस क्रम को अपीली न्यायालय के क्रम को ध्यान रखना है अब एक लास्ट में जो हमने स्लाइड पे लिखा है विशेष अनुमति याचिका की अपील जो आर्टिकल 136 में लिखा हुआ है एसएलपी जो बहुत पॉपुलर शब्दावली है एसएलपी विशेष इजाजत याचिका जहां पर न्याय के समस्त दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां पे भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्याय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया जिसे आर्टिकल वन के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को पावर दी गई उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो उस मामले में न्याय हो सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को यह पावर दे दिया गया कि विशेष अनुमति से वह याचिका स्वीकार कर सकता है और याचिकाकर्ता को विशेष इजाज़त दे सकता है अपील करने के लिए तो विशेष अनुमति याचिका संविधान के आर्टिकल वन थर्टी सिक्स के अंतर्गत जब न्याय के समय सभी दरवाजे बंद हो जाएं तो भी इसका एक अर्थ नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने की संभावना समाप्त हो गई है एक और रास्ता है वह है संविधान की आर्टिकल 136 थर्टी सिक्स एस एल पी जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त या अभियोजन या या अपराध पीड़ित या पीड़िता को केवल एक अंतिम जो उपाय बचता है संविधान में वह उसकी जो मदद कर सकता है वह एस के माध्यम से और यह एस न्याय सुनिश्चित करने के लिए जैसे मैंने बताया अपील मामले को स्वीकार कर सकता है अर्नेश कुमार की केस में जैसे मैंने बताया कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल रही थी पटना हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया तो वह वह एंटिसपेटरी बेल के लिए भी आर्टिकल वन थर्टी सिक्स में संविधान के अंतर्गत आर्टिकल वन के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में गए तो आप ये देख सकते हैं कि जो आर्टिकल वन थर्टी का स्कोप कितना वाइड है कि एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल वन के अंतर्गत वह अपील मामले को भी सुनवाई कर रहा है आर्टिकल वन के अंतर्गत तो इस तरह से विशेष अनुमति से भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जहां पर अभियुक्त को ऐसा लगता है कि उसके प्रति अधीनस्थ न्यायालय में न्याय नहीं हो पाई तो मैं अब समझता हूं कि अपील क्या है अपील तीन अपील कैसे की जाएगी तीन अपील मेमोरेंडम और इन सभी इस सभी चर्चा के पश्चात अपील संबंधी प्रावधान आ, समाप्त हुआ अब आते हैं पुनरीक्षण को लेते हैं रिवीजन क्या है पुनरीक्षण क्या है और पुनरीक्षण क्यों जब अपील संबंधी प्रावधान किया गया है तो फिर पुनरीक्षण की उपयोग आवश्यकता क्यों पड़ी पहले लेते हैं पुनरीक्षण की परिभाषा क्या है रिवीजन क्या है तो रिवीजन भी पुनरीक्षण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय में की गई त्रुटि को सुधारने का एक माध्यम है एक विधि एक मैकेनिज़्म है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय सुनाते समय यदि कोई त्रुटि यदि कोई गलती कर दी तो उस त्रुटिपूर्ण निर्णय को गलत निर्णय को कैसे सुधारा जाए एक तो अपील दिया गया और दूसरा रिवीजन है अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई न्यायिक त्रुटि किसी मामले में दिया गया त्रुटिपूर्ण निर्णय को सुधारने का उसके रेक्टिफिकेशन के लिए उसके परिशोधन के लिए परिमार्जन के लिए दो रास्ते हैं दो प्रविधियाँ हैं दो मैकेनिज़्म हैं एक है अपील और दूसरा है रिविज़न उद्देश्य दोनों के सेम हैं अपील का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य रिविज़न का है रिविज़न का भी उद्देश्य है टू मॉडिफाई टू रेक्टिफाई द इरोनियस जजमेंट ऑफ द सबार्डिनेट कोर्ट सबार्डिनेट कोर्ट का जो त्रुटिपूर्ण निर्णय है उसको रेक्टिफाई करना मॉडिफाई करना यह भी रिविज़न का उद्देश्य है और यही उद्देश्य अपील का है तो प्रश्न होता है कि फिर दो माध्यम कैसे दिए गए दो प्रावधान क्यों किया गया एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यह बात धारा 401 में स्पष्ट कर दी गई है सीआरपीसी के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत कि जहां अपील होगी वहां पुनरीक्षण नहीं होगा अर्थात जिन आपराधिक मामलों में अपील हो सकती है वहाँ पर पुनरीक्षण रिवीजन नहीं होगा जब एक ऑलरेडी मेथड दिया हुआ है रेक्टिफाई करने का तो दूसरे मेथड को उसमें नहीं इससे जो है न्यायालय के निर्णय में एम्बिगिटी आ, आ सकती है कि एक ही मामले को अभियुक्त अपील में भी ले जा रहा है रिवीजन में भी जा रहा है कोर्ट वही है न्यायाधीश हो सकता वही है पता चला कि अपील में हार गया रिवीजन में जीत ऐसा तो यह कन्फ्यूजन संदेह को दूर करने के लिए कहा गया कि हम अधीनस्थ न्यायालय के रेक्टी अधीनस्थ न्यायालय के गलत निर्णय को रेक्टिफाई तो करेंगे और रेक्टिफाई करने के दो माध्यम भी दे रहे हैं अभियुक्त को चूज करना है कि वह कौन सा जाता है तो जिसमें स्टैच्यूट अभियुक्त को चूज करने का मतलब कि अभियुक्त की लिबर्टी नहीं है कि वह अपील करेगा कि रिविजन करेगा स्टैच्यूट ने जिस अप, जिन मामलों में अपील अलाउ किया है उसमें अभियुक्त अपील में जाए और जिसमें सीआरपीसी अपील अलाउ नहीं करती है उस मामले में अभिद को रिवीजन है रिवीजन करेगा ये बात स्पष्ट रूप से सीआरपीसी में प्रावधानित किया गया है कि उन्हीं आपराधिक मामलों में पुनरीक्षण होगा जहां अपील नहीं होती है उद्देश्य तो यही है कि अधीनस्थ न्यायालय के त्रिटिटपूर्ण निर्णय को सुधारना है तो जब अपील या तो अपील से हम सुधारें या रिविजन से सुधारें तो जब अपील का प्रावधान दिया गया है तो उस अधीनस्थ न्यायालय के त्रुटपूर्ण निर्णय को अपील के माध्यम से सुधारा जाए जहां अपील होगी वहां रिवीजन नहीं होगा और जहां रिवीजन का प्रावधान दिया गया है वहां पर अपील नहीं होगी तो ये ध्यान रखना है अब रिवीजन का पावर जो है वह सत्र न्यायालय को भी है और हाई कोर्ट को भी है यह सीआरपीसी की धारा थ्री के अंतर्गत पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान दिया गया है कि सेक्शन 397 नाइन्टी सेवन प्रावधानित करती है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अभिलेख को मंगा सकता है पुनरीक्षण कर सकता है कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड और दस्तावेज को मंगा सकता है और उसमें उसे लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय इसमें तुटपूर्ण निर्णय या कोई गलती कर सकता है तो उस उस गलती को निवारित करने के लिए पुनरीक्षण स्वीकार किया जा सकता है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भियुक्त को जब किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में के निर्णय से वह संतुष्ट है और वह अपील में करा वह अपील वह अपील में चला गया है उस आवेदन के ऊपर उसने लिख दिया कि आवेदक के द्वारा अभियुक्त के द्वारा सीआरपीसी के धारा इस धारा के अंतर्गत दो सिद्धि के विरुद्ध धारा तीन के अंतर्गत अपील किया जाता है वास्तव में उस मामले में अपील का प्रावधान नहीं है तो ऐसी स्थिति में और उसमें केवल रिवीजन हो सकता है और गलती से भूल बस या गलती से अपील आवेदन कर दिया गया है तो उस अपील आवेदन को न्यायालय रिवीजन याचिका मानते हुए आगे की सुनवाई करेगा मेरी बात मुझे लगता है आप सभी समझ रहे होंगे कि जहां पर भूल बस या गलती बस आवेदक इस विश्वास से कि उस मामले में अपील हो सकती है यद्यप कि अपील कानूनी रूप से अनुज्ञात नहीं है अनुमति उसमें नहीं है और वह अपील आवेदन करता है अपील फाइल करता है तो न्यायालय न्यायाधीश से समझते हुए कि संबंधित प्रस्तुत मामले में या तो अभियुक्त भुलावे में पड़ गया है इसमें अपील नहीं हो सकती रिविज़न होगी तो उस अपील आवेदन को वह याचिका रिविजन पिटिसन मानते हुए पुनरीक्षण याचिका में कन्वर्ट करते हुए तब्दील करते हुए आगे की कार्रवाई करेगा आगे की सुनवाई करेगा ये महत्वपूर्ण है रिवीजन के लिए अब रिवीजन कोर्ट को रिवीजन कोर्ट के पावर क्या होंगे मैंने स्लाइड के माध्यम से लिखा है कि धारा चार सौ एक चार के अंतर्गत पुनरीक्षण न्यायालय को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो अपील इसमें देखें चार सौ एक हमने जो स्लाइड पे लिखा है कि सीआरपीसी की धारा चार सौ एक उपधारा चार के अंतर्गत पुनरीक्षण वहीं होगा जहां अपील नहीं होती तो यह ध्यान रखना है कि रिवीजन वही होगा जहां अपील नहीं होती तो स्पष्ट कर दिया गया है बावजूद इसके यदि गलती होती है अपील जहां होना चाहिए वहां रिवीजन हो गया है या जहां रिवीजन होना चाहिए वहां अपील आ गई है तो उस अपील याचिका को जो अपील पिटीशन है उसको रिवीजन पिटीशन मानते हुए न्यायालय सुनवाई करता है एक बात दूसरी बात कुछ ऐसे जो इंटरलिक्यूट्री आर्डर होते हैं इंटरलिक्यूटरी आर्डर को पर पुनरीक्षण नहीं होता इंटरलिक्यूटरी आर्डर क्या है उसको हम हिंदी में अंतर्वर्ती आदेश बोलते हैं अंतर्वर्ती आदेश वे आदेश होते हैं जो न्यायालय के मध्यवर्ती क्रम पर ही मध्य क्रम पर ही सुना दिए जाते हैं वह इंटरमीडिएटरी ऑर्डर है इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर है आर्डर ऐसा ऑर्डर ऐसा आदेश जो न्यायालय के द्वारा अंतिम निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी प्रक्रम पर किसी स्टेज पर दिया जाता है तो जो इंटरलिक्योट्री ऑर्डर है उस पर रिविजन नहीं होगा उदाहरण के तौर पर बेल है जमानत है जो बेल का आर्डर है अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का जो आदेश है वह इंटरलेक्टरी ऑर्डर है क्यों क्योंकि अभी अभियुक्त के विरुद्ध उस मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है कि वह दो सिद्ध किया गया या दोषमुक्त किया जाए तो उस फाइनल जजमेंट के मध्य में बीच में न्यायालय के द्वारा दिया गया जो आर्डर है मध्यवर्ती आदेश कहलाता है उसको हिंदी में मध्यवर्ती आदेश बोलते हैं और इंग्लिश में इंटरलिक्यूटरी आर्डर बोलते हैं और बेल उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऐसे ही समन जारी करना समन का वारंट समन का आदेश या वारंट जारी करना समन का जो आदेश है या वारंट का आदेश है यह उस अभित के विषय में अंतिम निर्णय नहीं होता फाइनल डिसीजन नहीं फाइनल जजमेंट नहीं है फाइनल आर्डर नहीं है तो यह जो अंतरवर्ती इंटरलिक्यूटरी आर्डर है मध्यवर्ती आदेश है मध्यवर्ती आदेश पर पुनरीक्षण लागू नहीं होगा रिविजन उस पर याचिका स्वीकार नहीं होती है बहुत स्पष्ट तो ये हो गया अब पुनरीक्षण की पावर रिवीजन कौन कौन कोर्ट कर सकता है तो रिवीजन सत्र न्यायालय भी कर सकता है और रिवीजन हाई कोर्ट भी कर सकता है अब आते हैं कि पुनरीक्षण ये तो रिवीजन कोर्ट हो गए पुनरीक्षण न्यायालय हो गए अब रिवीजन कोर्ट के पावर क्या हैं पुनरीक्षण न्यायालय के पावर क्या है तो यह सीआरपीसी के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय की वही शक्तियां होंगी जो सीआरपीसी की धारा 386 के अंतर्गत अपीली न्यायालय को दी गई हैं अर्थात पुनरीक्षण न्यायालय क्या क्या, क्या, क्या कार्य कर सकता है प्रश्न है कि क्या पुनरीक्षण न्यायालय जमानत दे सकता है कि नहीं दे सकता है तो पुनरीक्षण न्यायालय भी अभियुक्त को जमानत दे सकता है पुनरीक्षण न्यायालय वे सभी शक्तियों का निष्पादन कर सकता है जो अपीली न्यायालय धारा थ्री एटी के अंतर्गत अपील न्यायालय के रूप में करता है जैसे पुनरीक्षण न्यायालय दोष मुक्त दंडादेश को बढ़ा सकता है दंडादेश को घटा सकता है ये अपीली न्यायालय को पावर दिया गया है सेक्शन 386 के अंतर्गत अपीली न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रख सकता है वैसे ही पुनरीक्षण न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रख सकता है बिना किसी संशोधन के उसको उसी रूप में कन्फर्म कर सकता है यथावत रख सकता है तो ये हो गया पुनरीक्षण न्यायालय की शक्ति दूसरा पुनरीक्षण न्यायालय रिविजन कोर्ट आपराधिक मामले में दोष दोष सिद्धि के आदेश को दोष मुक्ति में कन्वर्ट कर सकता है यह अपीली न्यायालय करता है अपील के रूप में कि दोष सिद्धि के आदेश को दोष मुक्ति में कन्वर्ट कर दे ये प्रावधान धारा 401 में हाई कोर्ट को दिया गया और धारा 400 के अंतर्गत यह सत्र न्यायालय को रिवीजन की पावर दी गई कि रिवीजन कोर्ट सत्र न्यायालय भी पुनरीक्षण न्यायालय होगा हाई कोर्ट भी उच्च न्यायालय भी पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य करेगा इसमें अब अंतर क्या है कि अपील और रिविजन में डिफरेंस क्या है मैंने बताया कि अपील और रिविजन दोनों का उद्देश्य तो एक है लेकिन प्रोसीजरल डिफरेंस हैं उद्देश्य दोनों का एक है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई त्रुटि को दूर करना यह अपील का भी उद्देश्य है पुनरीक्षण का भी उद्देश्य है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को दूर करना परंतु पुनरीक्षण याचिका उन्हीं मामलों में स्वीकार होगी जहां अपील नहीं होती अब आते हैं कि अब यदि अपील या पुनरीक्षण दोनों के अंतर्गत अभियुक्त गलती से या भुलावे में आकर के ऐसा आवेदन करता है जिस मामले में अपील का प्रावधान है सीआरपीसी के अंतर्गत उस मामले में अपील हो सकती है परंतु वह पुनरीक्षण के लिए रिवीजन याचिका दायर कर दिया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को जैसा कि मैंने बताया उसकी अपील याचिका को पुनरीक्षण याचिका के रूप में तब्दील किया जा सकता है एक अपील संबंधी मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट का एक केस इस पर जैसा कि मैंने बताया पीवी वी नरसिम्हा राव वस्ते जिस्ट्रेट का है जिसमें पी वी नरसिम्हा राव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले थे और उन्हें ट्रायल कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया गया था और अपील उन्होंने उस दोषिद्धि के विरुद्ध वह अपील में गए अपील लंबित रहने के दौरान सी की धारा थ्री एटी नाइन के अंतर्गत उन्हें जमानत दे दिया गया ठीक उसी प्रकार से रिवीजन याचिका लंबित रहने के दौरान रिवीजन कोर्ट क्षण न्यायालय भी अभिद को जमानत पर छोड़ सकता है पुनरीक्षण न्यायालय भी अभिद को जमानत बेल दे सकता है रिविजन कोर्ट दंडादेश को कन्फर्म कर सकता है कन्फर्मेशन कोर्ट है जो कार्य उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय अपीली न्यायालय के रूप में कर सकते हैं कि दंडादेश को पुष्टिकरण के लिए वही कार्य पुनरीक्षण न्यायालय भी दंडादेश का पुष्टिकरण भी कर सकता है और वे सभी शक्तियाँ जो अपीली न्यायालय को धारा 386 में दी गई हैं वे सभी समस्त शक्तियों का निष्पादन पुनरीक्षण न्यायालय भी कर सकता है सेक्शन 389 के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया एक प्रावधान जो इसमें और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपील का उपसमन, सबसे अंतिम जो धारा अपील की वह है सेक्शन 394 उसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ अपील अपील का उपसमन अपील की समाप्ति तो स्वाभाविक है सेक्शन 394 सीआरपीसी फोर प्रावधान करती है कि जहाँ पर अभियुक्त अपील किसी अपराधिक मामलों में दंडादेश के विरुद्ध अपील किया हुआ है वहाँ पर यदि अपील के लंबित रहने के दौरान उस अपीलार्थी की अपील अपीलांट की डेथ हो जाती है मृत्यु हो जाती है तो अपील का उपशमन हो जाता है अपील का अबेटमेंट हो जाता है ये प्रावधान धारा थ्री में किया गया है परंतु जो परन्तु जो अपील किसी जुर्माने या आर्थिक मामलों के विरुद्ध की गई है वहाँ पर अपीलार्थी की मृत्यु के स्थिति में उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि उस अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उनके विधिक उत्तराधिकारी को उसमें अपील में सम्मिलित किया जा सकता है तो इस तरह से सेक्शन 394 के अंतर्गत अपील के उपशमन के विषय में बात की गई है कि अपील का उपशमन कैसे होगा अपील कैसे समाप्त हो जाएगी तो मुझे लगता है कि मैंने अपील से संबंधित और रिवीजन से संबंधित जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रावधान हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान हैं उन दोनों को लेकर के बताने का प्रयास किया कि अपील और रिवीजन कैसे अधीनस्थ न्यायालय के त्रुटपूर्ण निर्णय को सुधारने का एक अवसर प्रदान करती हैं कैसे इस मैकेनिज़्म से अधीनस्थ न्यायालय के त्रुटपूर्ण निर्णय को सुधारा जाता है अपील और रिवीजन के अंतर्गत मैंने ये भी बताने का प्रयास किया कि कब अपील होगी कब अपील नहीं वे कौन से मामले हैं जिसमें अपील होती है वे कौन से मामले हैं जिसमें अपील नहीं होगी इसको भी मैंने दो धाराओं के अंतर्गत सेक्शन 375, 376 बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना यदि अध्ययन किया जाए तो न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी लिखित परीक्षा के लिए भी प्रतियोगिता प्रतियोगी छात्रों को निश्चित रूप से लाभ लाभकर होगा और मैंने जो चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील सेक्शन 374 में है दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील धारा 378 के अंतर्गत है दंड की अपर्याप्तता के विरुद्ध अपील 377 के अंतर्गत है धाराओं को पहले मेमोराइज़ करें समझने का प्रयास करें उसके बाद संविधान के आर्टिकल 134 और वन थर्टी को मैंने इसमें जोड़ने का प्रयास किया जिससे संवैधानिक प्रावधान भी अपील से संबंधित कैसे अपील में कनेक्ट किए जा सकते हैं इसको भी मैंने बताने का प्रयास किया तो मैं समझता हूँ कि अपील और रिविज़न से संबंधित ये सभी प्रावधान आप सभी के लिए लाभकर होंगे हितकर होंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को विराम देता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आप सभी के लिए लाभकर होगा और आप इतना ही कर आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को विराम देता हूँ थैंक यू